बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ अवर अनदर लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ हाइपरटेंशन एंड वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड वी हैव स्टार्टेड डायुरेटिक क्लास ड्रग एंड इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थायजाइड टाइप डायोरेटिक्स एज वेल एज लूप डायोरेटिक्स. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स. If we talk about the potassium sparing diuretics and its indication, the diuretics in this group are spironolactone, amiloride, triamterene, are indicated for patient whom potassium loss is significant and supplementation is not feasible. यानी वो patient जिनको potassium का loss बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप supplementation possible नहीं कर पा रहे और potassium का loss ज़्यादा हो जाने की वजह से cardiovascular adverse effect आ रहे हैं. These agents are often used in combination with thiazide diuretics because they potentiate the effect of thiazide while minimizing the potential loss. तो ये कोशिश की जाती है कि thiazide के साथ combine करके दी जाए ताकि sodium के loss को जो है वो enhance किया जाए और water के loss को लेकिन potassium को conserve किया जाए, potassium loss को minimize किया जाए. Spironolactone is particularly useful in patients with hyperaldosteronism. It has direct antagonistic effect on aldosterone or aldosterone receptor blocker. तो इसको हम स्पायरोनोलैक्टोन को जो है वो एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं. इसके अलावा सेकेंड ड्रग है एप्लिरिनोन, इज अनदर एल्डोस्टिरोन रिसेप्टर ब्लॉकर रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द US FDA दैट सिमिलर टू स्पायरोनोलैक्टोन ब्लॉक्स एल्डोस्टिरोन बाइंडिंग टू द मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर. Both of these agents have used in hypertension and have increased level in the treatment of heart failure. क्योंकि heart failure में के केस में sodium अगर potassium का loss ज़्यादा हो जाए तो वो फिर heart failure patient जो है वो further bradycardia में जा सकता है और heart is unable to contract properly और उसका rhythm जो होता है वो disturb होने लगता है और heart पहले ही failure में जा रहा होता है तो वो further condition को deteriorate कर रहा होता है. तो यही वो एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट है पोटेशियम के लॉस की वजह से, एक्सेसिव लॉस की वजह से, जिसकी वजह से उससे बचाने के लिए पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक दी जाती हैं. एक्शन, पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स अचीव देयर डायोरेटिक इफेक्ट डिफरेंटली एंड लेस पोटेंटली देन द थायजाइड डायोरेटिक्स एंड लूप डायोरेटिक्स. तो अगर हम ये कहें कि ये जो है एज कम्पेयर टू थायजाइड एंड लूप डायोरेटिक्स दे आर वीक डायोरेटिक तो ये बात गलत नहीं होगी. दे आर मोस्ट पर्टिनेंट शेयर्ड फीचर इज़ दैट दे प्रमोट पोटेशियम रिटेंशन. सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये पोटेशियम को रिटेन करते हैं, उसके लॉस से बचाते हैं. सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, को एडमिनिस्ट्रेशन विथ ACE इनहिबिटर एंड पोटेशियम सप्लीमेंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया. उसकी वजह यह है कि ACE इनहिबिटर्स भी पोटेशियम लेवल बढ़ाती हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लेवल भी जो ड्रग्स हैं हमारे पास लोसार्टन टेलमिसार्टन वो भी पोटेशियम लेवल बढ़ाते हैं और पोटेशियम सप्लीमेंट भी अगर साथ में चल रहा है तो वो पोटेशियम लेवल बढ़ाएंगे. तो क्योंकि ये ड्रग पोटेशियम लॉस को वो डिक्रीज करती हैं पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, तो उसकी वजह से अगर ACE इनहिबिटर साथ दी जा रही है, ARB दी जा रही है या पोटेशियम सप्लीमेंटेशन चल रही है, पोटेशियम टैबलेट खा रहा है पेशेंट, तो उस सूरत में ये इस चीज़ का की पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैट द पेशेंट विल गो इन हाइपरकैलीमिया. हाइपरकैलीमिया भी नहीं होना चाहिए. द पोटेशियम लेवल शुड बी इन ए रेंज विच इज 3.5 to 5 मिली इक्वेलेंट पर लीटर. इफ यू टॉक अबाउट द प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर एंड यूज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड मॉनिटर सीरम क्रिएटिनिन बिकॉज दे कैन रिटेन पोटेशियम. क्योंकि वैसे ही रीनल फेलियर के केसेस में पोटेशियम रिटेंशन हो रहा होता है, तो अगर आप ये देंगे तो पोटेशियम रिटेंशन एक्सेसिव हो जाएगा. तो इसलिए वो पेशेंट जो कि किडनी फेलियर के हैं उनका सीरम क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें, कहीं ऐसा ना हो कि इन ड्रग्स के नतीजे में एक्सेसिव पोटेशियम कंजर्व हो जाए. ट्राइमटेरिन इज अनदर ड्रग. ट्राइमटेरिन शुड नॉट बी यूज इन पेशेंट विद ए हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन और हेपेटिक डिजीज बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दोज पेशेंट हु हैव किडनी स्टोन और हेपेटिक डिजीज देयर कंडीशन डिटेरियोरेट्स. इस वजह से ट्राइमटेरिन को जो है वो अवॉइड किया जाए. हाइपरकैलीमिया इज ए मेजर रिस्क रिक्वायरिंग रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड सीरम क्रिएटिनिन लेवल.
should be checked routinely to signal incipient excess potassium retention and impaired renal function. तो hyperkalemia को जो है वो is a major risk, नहीं होना चाहिए. That is why electrolyte level check किया जाए time to time, और blood urea nitrogen, serum creatinine, ये check करने के लिए कि kidney function normal है नहीं है, excessive potassium retention तो नहीं हो रही, और renal impairment की क्या status क्या है. तो इस वजह से ये मॉनिटर करना ज़रूरी है. यूजुअल इफेक्टिव डोजेज एमिलोराइड 5-10 मिलीग्राम डेली, स्पाइरोन इलेक्ट्रॉन 25-100 मिलीग्राम डेली एंड 400 मिलीग्राम डेली टू ट्रीट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. ट्राइमटीरिन 50-100 मिलीग्राम डेली, एप्लिनिनॉन 50-100 मिलीग्राम डेली. इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ए ग्रोइंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एज कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट एज मेंशन इन टेबल 33.5 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट क्लास इज सिंपेथोलाइटिक्स. इसमें फर्स्ट ड्रग है हमारे पास और द फर्स्ट क्लास इज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स और सिंपली बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन पेशेंट्स विद रैपिड रेस्टिंग हार्ट रेट, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, पैरोक्सिमल सुप्राविकुलर टैकीकार्डिया, और फॉर दोज कंपेलिंग इंडिकेशन सच एज हार्ट फेलियर, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाई कोरोनरी डिजीज रिस्क एंड डायबिटीज मेलाइटस एज डिस्क्राइब विद इन JNC 7 रिपोर्ट. तो बीटा ब्लॉकर्स जो है वो पर्टिकुलरली इफेक्टिव हैं इन पेशेंट्स के लिए जिनका एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर हार्ट फेलियर के केस, हिस्ट्री ऑफ MI, कोरोनरी डिजीज रिस्क, डायबिटीज मेलाइटस एज रिकमेंडेड बाय JNC 7 गाइडलाइन. इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्शंस, प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग. स्टिमुलेट द रेनिन सिक्रीशन, स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन सिक्रीशन इज ब्लॉक्ड, रेनिन को ब्लॉक करते हैं ताकि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट ना हो, ताकि एंजियोटेंसिन 1 और 2 ना बने, वेजो कंस्ट्रक्शन ना हो और एल्डोस्टेरोन भी एक्टिवेट ना हो. कार्डिक कॉन्ट्रैक्टाइलिटी इज डिक्रीज बाई डिमिनिशिंग कार्डिक आउटपुट, क्योंकि ये डायरेक्ट बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, beta 1 रिसेप्टर ऑन द हार्ट. सिंपेथेटिक आउटपुट इज डिक्रीज्ड सेंट्रली, इससे भी हार्ट रेट रिड्यूस होगा, रिडक्शन इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट. बीटा ब्लॉकर एक्शन में कम्बाइंड ऑल अबव मैकेनिज्म, यानी ये सब कम्बाइंड मैकेनिज्म जो है ये रिप्रेजेंट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है. एपिडेमियोलॉजी, यंग लेस देन 45 ईयर्स, वाइड्स विथ हाई कार्डिक आउटपुट, हाई हार्ट रेट एंड नॉर्मल वेस्कुलर रेजिस्टेंस रिस्पॉन्स बेस्ट टू बीटा ब्लॉकर थेरेपी. तो यंग वाइड्स हो, लेस देन 45 ईयर्स एज हो, तो जिनका हाई कार्डिक आउटपुट हो, हाई हार्ट रेट हो, यानी आयोनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट हो जिनका, तो उनमें, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर नॉर्मल, उनमें बीटा ब्लॉकर का जो रिस्पॉन्स है वो बेस्ट है. दे आर गुड पेशेंट्स फॉर और गुड कैंडिडेट फॉर बीटा ब्लॉकर्स. प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट, पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डिक डीकम्पनसेशन, दैट इज रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट ओइंग टू द फैक्ट दैट डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी ट्रिगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड लीडिंग टू हार्ट फेलियर. अब जब कार्डिक डीकम्पनसेशन मैकेनिज्म क्या है, क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में सिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइलिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट दैट मे लीड टू फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ हार्ट फेलियर. तो इसलिए पेशेंट की जो कार्डिक रिदम है, कार्डिक आउटपुट है, उसको मुसलसल मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी. इफ़ वी टॉक अबाउट द ECG शुड बी मॉनिटर्ड रूटीनली बिकॉज ऑल बीटा ब्लॉकर्स कैन डिक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विद इन द हार्ट एंड कॉज ब्रेडी एरिथमियाज. तो ECG जो है मॉनिटर किया जाए टू इवेल्यूएट द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द हार्ट और पेशेंट ब्रेडी कार्डिया में ना जाए. इसलिए रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिविटी इज डोज डिपेंडेंट एंड लॉस एज द डोजेज आर इंक्रीजेस. नो बीटा ब्लॉकर इज टोटली सेफ इन पेशेंट विद ब्रोंकोस्पास्टिक डिजीज, दैट इज एजमा एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज विच इज COPD. अब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. द पॉइंट इज दैट रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिविटी, बीटा रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, beta 1 and beta 2. beta 1 जो है वो हार्ट पर प्रीडोमिनेट करते हैं और beta 2 जो है वो लंग पे प्रीडोमिनेट करते हैं. इफ़ यू ब्लॉक द beta 1 रिसेप्टर तो उससे ये होता है कि हार्ट रिदम रिड्यूस होता है,
कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होता है और कॉन्ट्रैक्टाइलिटी रिड्यूस होती है, उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, तो इस वजह से ये दे आर गुड एंटी हाइपरटेंसिव। अच्छा, इसके अलावा इफ़ दे ब्लॉक द बीटा टू रिसेप्टर, तो बीटा टू रिसेप्टर्स डोमिनेट इन द लंग, लेकिन उससे क्या होता है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, और वो पेशेंट जो कि एस्मेटिक हैं, एस्मा है, या जिनको COPD है, ओल्ड एज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, देयर कंडीशन बिकम वर्स, उनको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होगी, तो उनकी डिजीज़ जो होगी फर्दर डिटेरियोरेट हो जाएगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी बीटा ब्लॉकर हैं जो कि रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिव हैं, यानी दे आर मोर बीटा वन सिलेक्टिव कंपेयर टू बीटा टू, यानी बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, बीटा टू को नहीं करेंगी। तो ये ठीक है कि वो सिर्फ हार्ट के बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उससे ही होगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा, और लंग पे जो बीटा रिसेप्टर हैं बीटा टू उनको ब्लॉक नहीं करेंगी, तो उससे जो होगा ये ब्रोंकोस्पैज्म यानी एस्मा या COPD की कंडीशन वर्स नहीं होगी। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इफ वी इंक्रीजेज द डोज ऑफ दिस कार्डियो सिलेक्टिव यानी बीटा वन सिलेक्टिव की, तो फिर ये अपनी ये जो सिलेक्टिविटी है बीटा वन की इसको लॉस्ट कर देते हैं, और फिर वो बीटा टू को भी ब्लॉक करने लगते हैं, और उसके नतीजे में अगर पेशेंट एस्मेटिक है तो एस्मेटिक अटैक होगा, COPD है तो उसको फिर वही ब्रोंको स्पास्टिक अटैक होंगे जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये भी मॉनिटर करना ज़रूरी होगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी हिस्ट्री हो एस्मेटिक एस्मा की, क्रॉनिक एस्मा की, या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD की। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ बीटा ब्लॉकर इन कार्डियक पेशेंट पुट्स द पेशेंट एट रिस्क ऑफ विड्रॉवल सिम्टम्स दैट मे प्रोड्यूस एक्सेसरबेटेड एंजाइना अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड लाइफ थ्रेटनिंग रिबाउंड ब्लड प्रेशर टू लेवल एक्सीडिंग प्री ट्रीटमेंट रीडिंग। अच्छा, अब ये क्यों होता है, वो ये कह रहे हैं कि एब्रप्ट स्टॉपेज ऑफ बीटा ब्लॉकर इन कार्डियक पेशेंट पुट्स द पेशेंट एट रिस्क ऑफ विड्रॉवल सिम्टम्स और सिंड्रोम, यानी अगर हम बीटा ब्लॉकर को एब्रप्ट अचानक ऑल ऑफ ए सडन स्टॉप कर दें तो उससे किस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एंजाइना हो सकता है पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और लाइफ थ्रेटनिंग रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर शदीद सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। ये इसलिए होता है कि व्हेन वी आर गिविंग बीटा ब्लॉकर टू द पेशेंट तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। अब जब बीटा रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं जिस डोज पर पेशेंट का ब्लड प्रेशर सेट है, तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी ये समझती है कि शायद बीटा रिसेप्टर है ही नहीं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि नए बीटा रिसेप्टर बन जाते हैं, यानी अप रेगुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर हो जाती है, तो नए बीटा रिसेप्टर बन जाते हैं। अब वो जब रिसेप्टर अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट का, तो आप क्या करते हैं कि बीटा ब्लॉकर की डोज मज़ीद बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है कि वो रिसेप्टर भी जो नए बने होते हैं वो भी ब्लॉक होने लग जाते हैं, और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा था दोबारा कंट्रोल में आ जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद 6 महीने के बाद मज़ीद नए बीटा रिसेप्टर बन जाते हैं, तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आप और डोज बढ़ा देते हैं, यू फर्दर इंक्रीजेज द डोज टू ब्लॉक दीज एडिशनल बीटा रिसेप्टर्स, फिर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है, यहाँ तक कि आप मैक्सिमम डोज तक चले जाते हैं बीटा ब्लॉकर की। फिर अब बीटा रिसेप्टर जो कि मज़ीद डोज इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अब अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो आपको ड्रग चेंज करनी पड़ेगी। अब अगर आप बीटा रिसेप्टर को बीटा जो इतने सारे क्रिएट हो चुके हैं अप रेगुलेशन की वजह से, वो तमाम के तमाम अगर आप ड्रग बीटा ब्लॉकर को इसी वक्त स्टॉप करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो शुरू में जो जब आपने डोज स्टार्ट की थी वो बीटा रिसेप्टर, और उसके बाद जो नए बीटा रिसेप्टर बने थे ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर, तो वो तमाम के तमाम बीटा रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे क्योंकि अब ड्रग तो अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि आपने ड्रग जो थी बीटा ब्लॉकर बंद कर दिया है, तो वो तमाम के तमाम रिसेप्टर्स पर जाके बायोअमाइंस लाइक नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन जो है वो बाइंड होंगे और सीवियर वैनोकंस्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, हार्ट पर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी बढ़ाएंगे, रिदम बढ़ाएंगे, और लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंशन कॉज करेंगे क्योंकि तमाम रिसेप्टर मिलके सीवियर वैसोकंस्ट्रिक्शन और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाएंगे जिसकी नतीजे में सीवियर हाइपरटेंशन होगा जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है जिसमें पेशेंट की जान जा सकती है। सो इन ऑर्डर टू नाउ रिड्यूस दीज एक्सेसिव रिसेप्टर्स, तो अब ये जो नए बीटा रिसेप्टर जो बने थे इनको रिड्यूस करने के लिए तरीक़ेकार ये होगा कि आपने बीटा ब्लॉकर की डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके
रिड्यूस करनी है, यानी ऑल ऑफ ए सडन शुड नॉट स्टॉप द बीटा ब्लॉकर ड्रग, ग्रेजुअली रिड्यूस द डोज एंड देन स्टॉप द बीटा ब्लॉकर ड्रग्स। यानी अगर आप एटिनोलोल दे रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करें, और फिर जो है वो, और दूसरी ड्रग भले आप जो एंटी जो आपने दूसरी बीटा जो दूसरी जो क्लास की जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग स्टार्ट की है वो आपने भले स्टार्ट कर दी हो, लेकिन बीटा ब्लॉकर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करनी है, ताकि जो एक्सेसिव रिसेप्टर्स बन गए थे वो ग्रेजुअली दोबारा डाउन रेगुलेट होके डिमिनिश हो जाए, ताकि ये जो इशू है विड्रॉवल सिंड्रोम ये क्रिएट ना हो। तो ये भी प्रिकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट में इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टॉपिंग द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर थेरेपी शुड बी यूज विद कॉशन इन पेशेंट विद फॉलोइंग कंडीशन। डायबिटीज मेलाइटस, व्हाई? बिकॉज बीटा ब्लॉकर कैन मास्क द हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स सच एज टैकीकार्डिया। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स का में ये होता है कि इफ़ देयर शुगर लेवल डाउन्स, अगर उनका शुगर लेवल कम होने लगता है तो फिर उनको टैकीकार्डिया होने लगता है, और उससे उनको पता चल जाता है कि उनका शुगर लेवल कम हो गया है, और फिर वो कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लाइक शुगर ले लेते हैं, कैंडी ले लेते हैं, जिससे उनको जो है ये पता चल रहा होता है कि उनका शुगर लेवल कम हो रहा है, और उनको कुछ किसी यानी शुगर लेने की कोई ऐसी कैंडी या स्वीट कैंडी की ज़रूरत है जिससे उनका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में वो ना जाए। अब अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा होगा तो ये टैकीकार्डिया नहीं होगा, जिसके नतीजे में ये हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम जो होगी ये मास्क हो जाएगी, यानी पता ही नहीं चलेगी, और मास्क होने की वजह से पेशेंट जो होगा वो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा और डायबिटिक कोमा में चला जाएगा, और पता चला पेशेंट गिर पड़ा, फॉल कर गया, और वो कोई उसके अगर आसपास नहीं हुआ, किसी ने देखा नहीं, तो उसकी हाइपोग्लाइसीमिया में डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पर्टेनिंग टू दोज पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज मेलाइटस। रेनॉल्ड्स फिनोमेना और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, इसमें क्या होता है कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना और पेरिवैस्कुलर डिजीज़ में ब्लड वेसल्स रफ हो जाते हैं, जिसके नतीजे में वेजो कंस्ट्रिक्शन कैन अकर इन द प्री डिस्पोज पेशेंट, माइट रिजल्ट इन क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, यानी सीवियर हाइपरटेंशन हो सकती है, और इतनी भी हो सकती है कि वो उस एरिया में जो है बिल्कुल ब्लड सप्लाई को वो स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पॉसिबल हैं बीटा ब्लॉकर से। सेवरल बीटा ब्लॉकर्स एंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पोटेंशिएट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फटीग, लिथार्जी, पुअर मेमोरी, वीकनेस एंड मेंटल डिप्रेशन। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं न्यूरोलॉजिकल। इसके अलावा इम्पोटेंस एंड डिक्रीज लिबिडो में रिजल्ट इन रिड्यूस पेशेंट कंप्लाइंस, यानी इम्पोटेंस एंड डिक्रीज लिबिडो यानी डिक्रीज सेक्शुअल फंक्शनिंग, ये जो है एक पेशेंट कंप्लाइंस में रुकावट होती है ये ड्रग की, यानी पेशेंट फिर अल्टरनेट मेडिकेशन की तरफ जाता है। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स इंटरेक्ट विद न्यूमरस एजेंट्स रिक्वायरिंग कॉशन वाइल सिलेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग बीटा एड ब्लॉकर ड्रग्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द बीटा ब्लॉकर टर्म्स, रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिविटी, रिलेटिव टू प्रोपेनोलोल बीटा ब्लॉकर्स हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई बीटा वन रिसेप्टर इन द हार्ट रादर देन बीटा टू रिसेप्टर इन द लंग्स, जिसमें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में होते हैं और बीटा टू लंग में होते हैं। प्रोपेनोलोल जो है वो दोनों को ब्लॉक करती है, बीटा वन को भी बीटा टू को भी। इससे हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि प्रोपेनोलोल के मुकाबले में जो भी दूसरी बीटा ब्लॉकर हैं वो कितना सिलेक्टिव हैं बीटा वन के लिए और कितना सिलेक्टिव हैं बीटा टू के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो टर्म यूज़ होती है, इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी। दीज एजेंट्स हैव द एबिलिटी टू रिलीज कैटेकोलामाइंस एंड टू मेंटेन ए सेटिस्फैक्ट्री हार्ट रेट। इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी में ऑल्सो प्रिवेंट ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड अदर डायरेक्ट बीटा ब्लॉकिंग एक्शन, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी को प्रमोट करती हैं, कि मींस इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि जो नॉर्मल बॉडी की कैटेकोलामाइन की रिक्वायरमेंट है जो कि हार्ट रेट को मेंटेन रखने के लिए चाहिए और ब्लड वेसल्स की जो उसका जो डायमीटर है उसको मेंटेन रखने के लिए चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर क्रिएट ना हो, तो कुछ बीटा ब्लॉकर ड्रग्स जो हैं वो इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, यानी सिर्फ उतना ही बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं जितना के ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा एक्सेसिव ब्लॉकिंग नहीं करते बल्कि रिलीज़ करते हैं कैटेकोलामाइन को और मेंटेन करते हैं सेटिस्फैक्ट्री हार्ट रेट।
तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स प्रमोट करती हैं इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी विच इज़ ए गुड थिंग, जो कि एक अच्छी बात है। तो उससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होती और एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रिक्शन भी नहीं होती और एक्सेसिव वेजो डायलेशन भी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाए और हार्ट रेट भी नॉर्मल रिदम में रहता है, यानी ब्रेडीकार्डिया भी नहीं होता, जो कि एक अच्छी बात है। यानी जो ड्रग्स जिन ड्रग्स में ये प्रॉपर्टी है कि वो इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, दैट इज़ ए गुड प्रॉपर्टी ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एजेंट्स, प्रोप्रेनोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट टू ब्लॉक द बीटा वन एंड बीटा टू रिसेप्टर, तो ये दोनों को ब्लॉक करता है। द यूजुअल डेली डोज रेंज इज 40 to 160 मिलीग्राम। इट इज एडवाइजेबल एज ए बोथ रैपिड एक्टिंग प्रोडक्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग प्रोडक्ट। द यूजुअल डेली डोज इज इन रेंज फ्रॉम 60 to 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट एजेंट इज मेटोप्रोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट टू शो रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिविटी। ये कार्डियो सिलेक्टिव है यानी बीटा वन है and less blockage on beta 2 receptor in the lung compared to propranolol. The usual daily dose is 50 to 100 milligram. अच्छा, अब इन इंडिविजुअल ड्रग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये डोज याद रहे ना रहे ये बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये याद रहे कि इसकी सिलेक्टिविटी क्या है। लाइक propranolol बीटा 1 एंड बीटा 2, मेटोप्रोलॉल मोर बीटा 1 लेस बीटा 2। द यूजुअल डेली डोज इज 50 to 100 milligram। सस्टेन रिलीज फॉर्म ऑफ ड्रग इज नाउ अवेलेबल, सक्सिनेट सॉल्ट विच रिक्वायर लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग, ये भी अवेलेबल है डेली वर्सेज वंस और ट्वाइस डेली फॉर इमीडिएट रिलीज। नेडोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट दैट अलाउड वंस डेली डोजिंग। इट ब्लॉक्स बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर सिमिलर टू प्रोप्रेनोलॉल। तो नेडोलॉल जो है वो दोनों को ब्लॉक करती है। द यूजुअल डेली डोज इज 40 to 120 मिलीग्राम। इफ यू टॉक अबाउट द एटिनोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट टू कम्बाइन वंस डेली डोजिंग विथ रिलेटिव कार्डियो सिलेक्टिविटी, यानी बीटा वन पर इसका इफेक्ट ज़्यादा है कम्पेयर टू बीटा टू। यह द यूजल डेली डोज इज 25 to 100 मिलीग्राम और यह एटिनोलॉल जो है टेनोरमिन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। नेक्स्ट एजेंट इज टेमोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट शोन टू बी इफेक्टिव आफ्टर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन टू प्रिवेंट सडन डेथ। इट ब्लॉक्स बोथ बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर, तो ये भी टेमोलॉल भी बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करती है। द यूजुअल डेली डोज इज 20 to 40 मिलीग्राम। नेक्स्ट डोज ड्रग इज पेंडोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट शोन टू हैव हाई इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अगेन मैंने ये बात की थी कि वो ड्रग जो कि इंट्रिंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी प्रमोट करता है, दिस इज गुड थिंग। द यूजुअल डेली डोज इज 10 to 40 मिलीग्राम। इसकी भी कार्डियो सिलेक्टिविटी नहीं है। लेबिटोलॉल नेक्स्ट ड्रग इज लेबिटोलॉल। लेबिटोलॉल की अगर हम बात करें, द फर्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट टू पजेस द बोथ अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। ये अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है। अल्फा में भी अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ। अच्छा, अल्फा 1 ब्लॉक होंगे तो वैजो डायलेशन होगी और अल्फा 2 ब्लॉक होंगे तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो वो जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इधर बीटा में बीटा 1 बीटा 2 दोनों को। यूजुअल डेली डोज इज 200 to 800 मिलीग्राम। लेबिटोल इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन क्राइसिस, उसमें दी जाती है यानी जब पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन में आता है। द नेक्स्ट ड्रग इज एसीब्यूटोलॉल वॉज द फर्स्ट बीटा ब्लॉकिंग एजेंट दैट कम्बाइन एफिकेसी फॉर वंस डेली डोजिंग पजेस इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अगेन ये अच्छी इंट्रेंसिक सिम्पेथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, तो इट इज़ ए गुड प्रॉपर्टी। Having relative cardio-selective blocking activity, ये भी अच्छी property है कि cardio-selective है। The usual daily dose is 200 to 800 milligram. Esmolol is the next drug, was the first beta-adrenergic blocking agent to have ultra-short duration of action. इसका ultra-short duration of action है। This agent is not used routinely in treating hypertension owing to its short duration. लेकिन intravenous इसको use किया जा सकता है hypertension crisis में। However, it has been used for hypertension or tachycardia during or after surgical procedure. Usual dose is 150 to 300 microgram per kg per minute up to 300 microgram per kg per minute IV or intravenously. Next drug is betoxolol is a beta blocker that possesses relative cardio selectivity, good thing, similar to metoprolol but has half life that allows once daily dosing. Usual dose daily dose is 5 to 20 milligram.
Next drug is pan-butylol, beta-blocking agent that has weak intrinsic sympathomimetic activity. Hai iski, but weak intrinsic sympathomimetic activity hai. Like pindolol, allow once daily dosing. Usual daily dose is 10 to 20 milligram. Bisoprolol, beta-blocking agent that is cardioselective. Again, good thing, has no intrinsic sympathomimetic activity. जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट है. इट अलाउज वंस डेली डोजिंग. द यूजुअल डेली डोज इज 2.5 टू 10 मिलीग्राम. इफ यू टॉक अबाउट द कार्विडोलोल, इज ए बीटा ब्लॉकिंग एजेंट दैट हैज बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज एज वेल एज अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन द वैसोडायलेशन. तो ये बीटा ब्लॉकर भी है और अल्फा ब्लॉकर भी है. द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ट्वाइस डेली विद ए स्टार्टिंग डोज ऑफ 6.25 मिलीग्राम टाइट्रेटेड टू 7 टू 14 डे इंटरवेल टू ए डोज ऑफ 25 मिलीग्राम ट्वाइस डेली. इतनी मैक्सिमा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए 25 मिलीग्राम ट्वाइस डेली तक आ सकते हैं. यूजुअल डेली डोज इज 12.5 टू 50 मिलीग्राम डेली. इफ यू टॉक अबाउट द ड्रग नेविबुटोलोल, इज ए बीटा ब्लॉकिंग एजेंट दैट हैज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकिंग टेंडेंसीज. तो नेविबुटोलोल कार्डियो सिलेक्टिव बीटा वन है, सिमिलर टू सेवरल अदर एजेंट्स इन क्लास. इनिशियल रिपोर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट दैट नेविबुटोलोल has vasodilatory properties through its release of nitric oxide. तो ये किसी unknown mechanism के ज़रिए nitric oxide भी release करती है, जिसकी वजह से ये vasodilation effect भी देती है. Nebivolol is administered in a single daily dose of 5 milligram with dose titration required based on therapeutic response. तो ये जो है वो beta blocker drugs complete हमने कर ली. अब आते हैं हम peripheral alpha एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग और पेरिफेरल अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स पे. नाउ पेरिफेरल अल्फा वन और अल्फा ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल प्रेजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्सेजोसिन, ये तीन ड्रग्स जो है इसमें शामिल हैं. इफ यू टॉक अबाउट द इंडिकेशन, दिस ग्रुप ऑफ ड्रग इज अवेलेबल फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट हु हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू इनिशियल एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी. तो ये सेकेंड लाइन थेरेपी है, यानी फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं है. Actions, the alpha 1 blockers are indirect vasodilators, block peripheral postsynaptic alpha adrenergic receptors and causing vasodilation of both arteries and veins. अब ये क्योंकि alpha 1 receptors arteries और veins पर होते हैं, जब ये block होंगे तो vasodilation होगी. Also, the incidences of reflex tachycardia is lower with these agents than with vasodilator hydralazine. अच्छा, क्योंकि vasodilation की वजह से जब ये blood vessels ज़्यादा ब्लड को पूल करने लगते हैं तो वेनस रिटर्न कम हो जाता है, तो हार्ट ये समझ रहा होता है कि शायद बॉडी में का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, तो फिर वो टैकीकार्डिया कॉज करने लगता है. लेकिन जो ये जो ड्रग हैं तीनों, जो प्रेजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्सेजोसिन, इससे ये टैकीकार्डिया जो होता है वो, इसके चांसेस जो है वो लोअर हैं कंपेयर टू एक और वैसोडायलेटर जिसका नाम है हाइड्रोलेजिन. तो ये इन ड्रग्स का, तीन ड्रग्स की गुड प्रॉपर्टी. These hemodynamic changes reverse the abnormalities in hypertension, preserve organ perfusion. तो ये hemodynamic changes से ये फ़ायदा होता है कि blood pressure reduce हो जाता है और organ perfusion, यानी जो different organ है उसमें blood supply बेहतर हो जाती है. Recent studies have also shown that these agents have no adverse effect on serum lipids and other cardiac risk factors. If we talk about the precaution and monitoring effects, फर्स्ट डोज फिनोमेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इस सिंकोपल एपिसोड में आकर विद इन 30 टू 90 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट डोज, मींस के पहली डोज लेने के बाद एकदम पेशेंट जो होगा सिंकोप में जाएगा, यानी पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी पेशेंट जो होगा नींद, शदीद नींद, गुनूदगी की कैफियत आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है और वो गिर भी सकता है उसी वजह से. तो इसलिए ये 30 टू 90 मिनट में जो है ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि शुरू में जो डोज होगी वो एक्सेसिव वैसोडायलेशन की वजह से क्या होगा, सारा ब्लड जो होगा लोअर एक्सट्रीमिटी में जब पूल करेगा तो ये प्रॉब्लम होगा. सिमिलरली एसोसिएटेड विद पोस्टोरल हाइपोटेंशन, नोजिया, डिजीनेस, हेडेक, पेल्पिटेशन एंड स्वेटिंग भी हो सकती है. To minimize these effects, the first dose should be limited to the small dose, 1 milligram, and administered just before the bedtime. तो इन adverse effects से बचाने के लिए एक तो ये dose small dose में दी जाए और just before bedtime दी जाए, ताकि patient की गिरने का, ये syncope का खतरा ना हो. Additional adverse effects include diarrhea, weight gain, peripheral edema, dry mouth, urinary urgency, constipation, and priapism. Priapism is sexual dysfunction. Doxycycline in dose 2 to 8 milligram per day was one of the treatment
arm in the recent antihypertensive and lipid lowering treatment prevent heart attack trial, and treatment was discontinued prematurely owing to 25% increase in incidences of combined cardiovascular disease outcome in patient in the control group receiving the diuretic and chlorthalidone. तो कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स आए पेशेंट में, जो पेशेंट ये ले रहे थे डॉक्सैटिन विद लिपिड लोअरिंग ट्रीटमेंट के साथ यानी स्टेटिन के साथ, तो 25% केसेस थे जिसमें प्री मैच्योर ओइंग टू अपेरेंट इंक्रीज इन इंसिडेंसेस ऑफ कंबाइंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आउटकम यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर. अच्छा, द एडेड रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड मेजर आउटकम अफेक्टेड इन डॉक्सैटिन आर्म. तो इस वजह से फिर इस ड्रग को जो है वो अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, स्ट्रोक और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जिसमें एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी शामिल है वो है. तो डॉक्सैटिन को जो है वो स्टेटिंस के साथ देने में ये इशू है, तो ये प्रिकॉशन मॉनिटरिंग में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट के ये चीज़ें मॉनिटर की जाए. द एवरेज डेली डोज, प्रेजोसिन 2 to 20 मिलीग्राम, टेरोजिसिन 1 to 20 मिलीग्राम, डॉक्सैटिन 1 to 16 मिलीग्राम. तो ये जो है अल्फा ब्लॉकर है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा वन एंटागोनिस्ट. नाउ सेंट्रली एक्टिंग अल्फा वन एंटागोनिस्ट दैट वी विल स्टार्ट टू डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.